तो शनि ब्लॉक बनता है आज तो दूर रखना। आज मैं अपना प्रिय मामा के साथ में आया हूँ और मामा हम दोनों का आज जो भी मिला है, किसी ने ब्रेड दिया है और मामा कितने हमको 3 अंडे भी मिले हैं ना मामा जी। रास्ते मांगते नहीं आए थे। हाँ वही तो बहुत अच्छा लग रहा मामा जी। तो आगे हमको अच्छा उम्मीद है कि कुछ ना कुछ मिलेगा हमारे मामा को। चाय बना रहे हैं हम अपना मिस्टर टाशी के लिए और बहू रानी के लिए ठंड से अभी से जग रहे तो खाएंगे थोड़ा लंच लुंच करके, उसके बाद हम चलेंगे अपने गांव के लिए। थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है और अराउंड 2 या 1.25 तक लग जाएंगे लग रहा है, जिस हिसाब से आजकल का हमारा एनर्जी है। खड़ी चढ़ाई है और ठंड भी काफी होता जा रहा है, तो खाने के बाद चलेंगे आगे। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने एरिया पे और यहाँ पे हमें गाड़ी यहीं पे रखना पड़ता है क्योंकि फर्दर के लिए रोड अभी बना नहीं है। तो वैसे तो काफ़ी टाइम से रोड बना नहीं है लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा काम चला हुआ प्रोग्रेस। तो अब हम आ चुके हैं और हमारे बस्ते हो रहे हैं पैक। तो ये हमारा हिमालयन म्यूल जो होते हैं तो उनके ऊपर लादेंगे ये सारे सामान क्योंकि हम ज़्यादा उठाना नहीं चाहते, काफ़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा। तो अभी बाइक कर रहे हैं पैक। नो मोबाइल नो नेटवर्क। अब यहाँ से आपका शुरू होगा वॉकी टॉकी। आप हमारे पास में बस यही एक सहारा रहता है वायरलेस का और हमारे 4x4 जो कि आने वाले हैं। तो ये स्पेशल हिमालयन ट्रक्स जो है आ चुका है। हाँ 4x4 एंड नो पॉल्यूशन सर, देयर इज नो पॉल्यूशन, नो एमिशन, नो पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन होता है। तो रेडी टू हो रहे हैं सब सामान लादने के शुरू और तगड़ा म्यूल पहुंच गए हैं हिमालयन। अब हम सब रेडी, सो चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ये है चौकी, यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। सो यू फीलिंग वेल नाउ? क्वाइट वेल। महाराज महाराज मामा साहब कैसे हो? ठीक है दया महाराज जी, तू सुना ठाक ठीक है? परिवार सब सुखी आनंद है। सुखी आनंद। तो यहाँ से जब आप भनोड़ी की तरफ जाएं यहाँ पे अपना नाम एंट्री जरूर कर लें और वापसी में भी अपना नाम यहाँ बता कर जाएं कि आप भनोड़ी से वापस जा रहे हैं, क्योंकि आप डोडा के बिल्कुल पास में। अच्छा आपकी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा। कंटिन्यू बोला नहीं क्या? सांस सांस अटक रही है भाई साहब की। हमारा आधार कार्ड तो है ना भाई जी? कोई नहीं कोई नहीं। तो एंट्री हो चुका है तो आप अपने गांव के लिए जर्नी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहीं से शिक्षा पाकर बड़े बड़े हमारे ब्लॉगर्स तैयार हैं। वाह जी वाह। ट्रैवलर जो है वो भी यहीं से पढ़ के आगे निकला है। आप दिखा सकते हैं बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं कैसे यहाँ के जो हमारे गांव में लास्ट स्कूल है कैसे अंदर का बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सांस थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शेर आया शेर। आज मैं अपने भांजे को एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, मगर वो सीक्रेट जो है ना मैं देखता हूँ कि जंगल भी ना सुने, कोई भी ना सुने। तो आज कान में ही बोलना बिल्कुल। जय श्री राम। वाह क्या सीक्रेट था, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए है ना। तो
तो मैं तो सच्ची कुछ सोच रहा था कि सीक्रेट होगा, लेकिन बूढ़े हो गए लेकिन अंदर का बचपना नहीं जाता इन लोगों का। और ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, 85-82 है ना। ये देखो, ये तो मामा भांजा का ना, ये फायदा ले रहा है। ऐसा नहीं है कि भांजा बड़ा था 8 साल का है, 8 साल डेट ऑफ बर्थ बदलता जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 89 कौन हाँ रहा, आप देख ही सकते हो वीडियो में है ना। मामा साहब आप हाँ रहे एकदम से। वाह जी वाह, आपको शेशे का आवाज सुनाई दे रहा होगा। और यहाँ पे वो तो ऑब्वियसली कैमरे के नजदीक मैं ही हूँ, तो मैं ही सुनाई दूंगा। और तो आप देख सकते हो, अभी भी भाग सकता हूँ। आगे जाके कौन रेस्ट करेगा वो कौन देखेगा। तो एक्चुअली आपने अभी जो इंस्टेंट देखा था पीछे, हमारे मामा जी एक बुजुर्ग उठा रहे थे। एक्चुअली कहानी इस तरह है, तो हमारे गाँव के लिए रोड बनता जा रहा है, लेकिन कभी कभी हमारे जो रोड जब बनता है तो कभी कभी थोड़ा सा लैंड लोगों के एरिया में आ जाते हैं, तो वो लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारा एरिया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ये नहीं देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब डेवलपमेंट होगा, रोड बनेगा, तो सहूलियत सबको होगा। तो ये चीज़ समझा रहे थे हमारे मामा। तो जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं थोड़े अलग सोचते हैं, जो हमारे विलेज में है वहाँ हमारे यहाँ चुरा के एमएलए का फैमिली भी उसी एरिया में पड़ता है, तो अभी भी पैदल जाना पड़ता है। तो अभी भी हमको पैदल जाना पड़ रहा है और उनको भी पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन सब डेवलपमेंट के बाद वो अपने लास्ट अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि पहले तो उन्होंने लोगों का ही सोचा है। तो यही चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल हमें 1 आवर अभी और पैदल चलना पड़ेगा। थोड़ा जर्नी मुश्किल है लेकिन मज़ेदार है, क्योंकि एक कहावत है हमारे चुरा में, बहुत सारे गाना है मामा भांजे रे जोड़ी, मतलब कि वो एक आनंद लेते हुए। चलो आगे फिर जर्नी को आप कंटिन्यू करेंगे। हमारी जर्नी में अभी हमारे साथ हमारे गुरु जी भी हैं, तो वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं रास्ते में क्या क्या इंटरेस्टिंग स्टफ। ये संगुल लगे क्या किए फिर डूब गए, ये तो एक दो नहीं है, ये तो छोटा है ना। अब इधर फेटा जाएगा तो कम से कम तेवू पर से कम से कम 7-8 तो लेन में, फिर लिखा हुआ पत्थर इतना है, वो लूगा मूर्ति एक टोटा था, मैंने मंदिर में किसी ने लिया, मैं मंदिर में पूजा दिया। तो आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ के बीच में ये घास पूरा एक भर भर के रखा हुआ है, ये विंटर के लिए स्टॉक है, क्योंकि यहाँ के गाय के लिए सर्दी को सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। और मैं बताऊँ, इसको बोलते हैं बेट बेट बेट, क्योंकि ये अलग अलग बनाते हैं बेट। और बेट बनाने का रीज़न क्या है, हमारे जो नीचे इलाकों में बेट नहीं बनाते घास का, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ता है, तो बेट पड़ने से जो है बर्फ़ का पानी अंदर तक नहीं घुसता है, इसलिए बुन के बनाया हुआ है। तो बहुत ही टाइट घास को मरोड़ के, तो उस हिसाब से बेट देखो कितना अच्छा से सजाया हुआ है। कितने प्यारा है, एक फोटो खींचेगा। ये हमारा ऊन से बना होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल ऊन का तो है ना, ऊन का तो कोई बात नहीं है। देखो एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से हाथ निकल रहा है। एक्सचेंज तो नहीं करना मेरे साथ में, बदलना तो नहीं, बदलना तो नहीं, ठीक है जना। ये दे देता हूँ भाई, क्वालिटी क्वालिटी होते है, गर्म है तेरा वाला, गर्म ही नहीं होना।
इसी का तो मूल है फटिया नहीं आया वो तो इन्हें छोड़ा भी दीता तो अब हम पहुंच गए हैं अपने गांव और ये है हमारा गांव का फर्स्ट पड़ाव और हमें यहाँ पत्थर चढ़ाना पड़ता है और ये देखिए जैसे पत्थर चढ़ाना हाँ जी आपको पत्थर चढ़ाना पड़ेगा बस इसका मतलब झंड और तेरा कोई विश पूरा नहीं होगा और ये रही हमारी खतरनाक घोर पाप कर दी इसने यहाँ पे पत्थर चढ़ाना पड़ता है और एक जगह चढ़ाया और दो पत्थर गिरा दिया वाह भाई वाह मान गए उस्ताद तो आखिरकार इतने हार्ड जर्नी के बाद हम अपने गांव पहुंच गए ये था हमारे गांव के लिए जर्नी काफ़ी मुश्किल और यहाँ ठंड इतना ज़्यादा है कि गाल पूरा ठंडा हो गया हाँ क्या पता ऊपर ही बैठूंगा तो खाना भी बनने का अभी यहाँ तैयारी हो रहा है और ऊपर भी खाना बनना तो अभी जो टाइम है काफ़ी खूबसूरत टाइम है क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे सनसेट जो आस पास की पहाड़ी है लोग दूर दूर से देखने आते हैं और मैं अभी अपने इस खूबसूरत मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ वो भी अपने ही गांव से क्या खूबसूरत पल है और ठंड काफ़ी है इसलिए हमने बॉनफायर लगाया हुआ है हम सब ग्रुप अभी इंजॉय कर रहे हैं तो ये रहा एक छोटी सी जर्नी मेरे विलेज तक के लिए और अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे पूरे गांव की कहानी और हमारे गांव में क्या क्या मिस्टीरियस थिंग है वो आप एक्सप्लोर करते हैं इफ यू न्यू इन माय चैनल सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन लाइक कमेंट एंड शेयर